यस बेटा, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। टुडे आई विल डिस्कस एमसीक्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। हेडिंग ऑफ दिस पिक्चर, डॉन ऑफ द सेंचुरी, DAWN, यानी कि हम एक सेंचुरी आगे जा रहे हैं, लेकिन पिछली सेंचुरी में क्या क्या बन चुका है, तो वो उसके रिलेटेड है। तो ये पिक्चर जो है किसने प्रिंट की? ईटी पॉल, ईटी PAL, ई डॉट टी, ई टी पॉल। कौन थे ये? म्यूजिक पब्लिशर। कौन से ईयर में प्रिंट की? 1900। कवर पेज का नेम क्या है? डॉन ऑफ द सेंचुरी का मतलब है कि पिछली सेंचुरी के बारे में इन्होंने बताया। नेक्स्ट इज, ये जो पर्सोनिफिकेशन है, ये प्रोग्रेस की पर्सोनिफिकेशन है, तो इसको एंजल ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं। एंड शी इज एंटरिंग इनटू नेक्स्ट सेंचुरी, लेकिन पीछे क्या दिखा रहे हैं? जो पिछले सेंचुरी में इन्वेंशन हो चुकी हैं वो दिखाएंगे। कौन कौन सी इन्वेंशन ऑलरेडी इस पिछली सेंचुरी को पता थी? रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रेस एंड फैक्ट्री सिस्टम। ऑलरेडी इस चीज की इन्वेंशन हो चुकी थी। और ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स, अल्टीमेटली जो पिक्चर है वो क्या दिखाती है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। जो नेक्स्ट पिक्चर है, टू मैजिशियंस। कवर पेज का नेम क्या है? टू मैजिशियंस। क्या दिखाया गया इसमें? अलादीन। टॉप पे अलादीन दिखाया गया है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ईस्टर्न कंट्रीज, यानी कि जो ईस्ट में है, और पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। ईस्ट एंड पास्ट, पुरानी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ओरिएंट, ओरिएंट का मतलब होता है मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके जो भी कंट्रीज आती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये शो करता है कि अलादीन जस्ट मैजिक लैंप जो उसके पास था उसको रब करता था और मिरेकल होता था, और वो लोग जो है वो मिरेकल पे बिलीव करते हैं। कौन से लोग? जो ईस्टर्न कंट्रीज में लोग। लेकिन मॉडर्न जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने आप को मॉडर्न कहती हैं, और उनका क्या बिलीव है कि जो आर्किटेक्चर है, इंजीनियर्स हैं, वो अपनी हार्डवर्क, अपने हाथ के काम, अपनी लेबर जो है उस पर बिलीव करते हैं। और जो अलादीन मिरेकल में बिल्डिंग्स तैयार करता है, ये लोग खुद अपनी मेहनत से बिल्डिंग्स तैयार करते हैं। तो अल्टीमेटली इसमें दिखाया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिक, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने को तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी 19th सेंचुरी में, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी सिटीज में, विलेज एरियाज में इंटरनेशनल लेवल के लिए जो है वो चीजें बनाई जाती थी, उस टाइम को कहते थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे प्रोटो का मतलब क्या है? प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 19th सेंचुरी। प्रोटो का टाइम पीरियड आएगा तो क्या बताओगे आप? 17th और 18th सेंचुरी। ठीक है, क्या हुआ था इस 17, 18 सेंचुरी में? 17 और 18 सेंचुरी में बेसिकली 200 ईयर्स की स्टोरी को हम अगर हमने 3-4 लाइन्स में बताना है, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम ये बताते हैं दैट एट दैट टाइम इन द मैनी सिटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप, गिल्ड एसोसिएशंस वर देयर। गिल्ड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स, उनकी मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? कोई भी नया मर्चेंट, नया बिजनेसमैन रॉयल ऑर्डर या उनकी परमिशन के बिना एंटर नहीं कर पाता था, इन्वेस्ट नहीं कर पाता था। ऐसा उन्होंने क्यों रखा था? ताकि उनका प्रॉफिट शेयर ना, यानी कि उस टाइम पीरियड में कोई भी पर्सन सिटीज में कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर सकते थे। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो नए नए बिजनेसमैन थे वो कहाँ पे गए? फिर विलेज एरियाज में, दे मूव टू विलेज एरियाज। वहां पे वो क्या करते थे? विलेज एरियाज में हर फैमिली में अलग अलग लेबर होते थे, 20 लेबर होते थे, या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, और इस तरह से अलग अलग लेबर से काम करवाया जाता था। और कॉटन टेक्सटाइल के अलग अलग स्टेप्स होते थे, और इन स्टेप्स में क्या होता था? पहले कॉटन से थ्रेड बनता था, फिर थ्रेड से टेक्सटाइल बनता था, और उसके बाद उसको डाई किया जाता था। डाई करने के बाद उसको लंदन लेकर आते थे उसको कलरिंग करने के, और उसके बाद उसको इंटरनेशनल लेवल पे बेचते। तो दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि 19th सेंचुरी से पहले भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था, लेकिन काफी हद तक विलेज के एरियाज में भी लोग, फैक्ट्री सिस्टम नहीं था विलेज एरियाज में, लेकिन विलेज एरियाज में भी लोग काम करते थे इंटरनेशनल मार्केट के लिए। फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे सिटीज में फैक्ट्रीज आनी शुरू हो गई, धीरे धीरे मैनी पीपल दे मूव फ्रॉम विलेज टू सिटीज एंड दे सर्च न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो
तो ये तो साथ सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बताना। अब आ जाओ इसके स्टेप्स स्टेप्स नोट करो। गिल्ड सिस्टम मैंने बता दिया, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। सबसे पहला था स्टेपलर, नंबर टू स्पिनर, स्टेपलर स्पिनर फुलर देन डायर। ये स्टेप्स हैं, फोर स्टेप्स, फोर स्टेजेस भी कह सकते हैं इसको। और हर स्टेज सेपलर स्पिनर फुलर एंड डायर, हर स्टेज पे अप्रोक्सीमेटली 20 जो है वो लोग काम करते थे एक मर्चेंट के अंडर। तो अपने आप सोचोगे कितने होंगे, 80 to 100। क्लोदियर जो मर्चेंट होते थे उनके पास 20 सेपलर 20 स्पिनर या 20 फुलर या 20 डायर काम करते होंगे। तो अल्टीमेटली एक क्लोदियर मर्चेंट के अंडर 80 to 100, 80 से लेकर 100 तक लेबर होते होंगे जो उनके लिए काम करते थे। एंड ये सोचो कि फैक्ट्री सिस्टम नहीं था, लोग अपने घरों में डोमेस्टिक यूनिट्स में काम करते थे। देन एक और प्रोसेस बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है? प्रोसेस इन विच फाइबर आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पिनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिंग? ये 1 मार्क आपको डेफिनेशन फॉर्म में आ सकता है। प्रोसेस इन विच फाइबर, फाइबर कोई भी हो सकता है, कॉटन और वूल। प्रोसेस इन विच फाइबर आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पिनिंग, फाइबर को स्पिनिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं कार्डिंग। फर्स्ट कॉटन मिल किसको क्रेडिट दिया जाता है फर्स्ट कॉटन मिल इंट्रोड्यूस करने का? रिचर्ड ऑकराइट। फर्स्ट कॉटन मिल रिचर्ड ऑकराइट। मिल सिस्टम के आने से बहुत से लोग जो थे विलेज एरिया से सिटीज में आ गए, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विलेज के लोगों का जो मेन माइग्रेशन, यानी कि विलेजर्स जो हैं वो सिटीज में आना शुरू हो गए, जिससे सिटी में पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। फर्स्ट कॉटन मिल रिचर्ड ऑकराइट। 1730 इंपॉर्टेंट ईयर, ये ऐसा इंपॉर्टेंट ईयर था जिसमें फैक्ट्री सिस्टम जो है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 1730 एक ऐसा इंपॉर्टेंट ईयर था व्हेन फैक्ट्री सिस्टम केम इन इंग्लैंड। 1730 के बाद काफी हद तक इंग्लैंड में फैक्ट्रीज जो हैं वो सेटअप होना शुरू हो गई। अर्लीस्ट फैक्ट्रीज केम इन इंग्लैंड अराउंड 1730। 1760 का ईयर, यानी कि आप सोचो कि 1730 से लेकर 1760, इन 30 ईयर्स में क्या हुआ? मेन इंपॉर्टेंट डाटा आपने बताना है। ब्रिटेन इंपोर्टेड 2.5 मिलियन पाउंड, ब्रिटेन इंपोर्टेड 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन रॉ कॉटन क्यों मंगवा रहा था? क्योंकि ब्रिटेन की मिल्स में उस रॉ कॉटन से क्या बनना था? थ्रेड, और थ्रेड से क्या बनना था? टेक्सटाइल। देन ये डाटा इंक्रीज हुआ आगे 1787, 1787 22 मिलियन पाउंड। ये क्या शो करता है? क्या शो करता है? 22 मिलियन पाउंड जो है वो रॉ कॉटन इंपोर्ट किया गया। 22 मिलियन रॉ कॉटन वाज इंपोर्टेड। पहले कितना था? 2.5। 1787 में कितना हो गया? 22। क्या शो करता है ये? रॉ कॉटन को इंपोर्ट किया गया, अलग अलग कंट्री से रॉ कॉटन को मंगवाया गया। इसका मतलब इंग्लैंड में क्या बढ़ी? फैक्ट्रीज, मिल सिस्टम बढ़ा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो है वो हो गई। देन नेक्स्ट इसमें बताओगे आप इंपॉर्टेंट प्लेस। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस था लैंकैशियर, LCASHIRE, लैंकैशियर इन लंदन। फेमस कॉटन मिल्स वर सेटअप, या हम ये भी कह सकते हैं बेस्ट कॉटन स्पिनिंग लोकेलिटी। अगर हमने ये बताना है कि ब्रिटेन में बेस्ट स्पिनिंग कॉटन लोकेलिटी कौन सी थी? लैंकैशियर लंदन। रीजन क्या है? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर जो है इसके लिए बेस्ट है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन। और इसी एरिया के आसपास मिल्स बनी क्योंकि इजिली यहां से कॉटन मिल जाता था। देन इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमने बताना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका फेज, फर्स्ट फेज में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी थी? लीडिंग इंडस्ट्री कौन सी थी? कॉटन इंडस्ट्री। लीडिंग इंडस्ट्री
इन फर्स्ट फेज लीडिंग इंडस्ट्री या लीडिंग सेक्टर जो था फर्स्ट फेज में वो क्या था? कॉटन. लेकिन सेकंड फेज का मतलब 1840 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो ग्रो होना शुरू हो गई. फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन किसमें आई? कॉटन टेक्सटाइल में. सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन किसमें आई? आयरन एंड स्टील. रीजन क्या था? आयरन एंड स्टील की एक्सपेंशन क्यों हुई? क्योंकि अब तक रेलवे की एक्सपेंशन हो गई थी और रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, रेलवे कोचेस बनाने के लिए आयरन की जरूरत बहुत थी और इसीलिए आयरन की डिमांड बढ़ी. और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसमें उसको सेटअप करने के लिए लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते. देन इसमें अब आपने ये बताना है, परसेंटेज बतानी है. 20% पीपल वर्क इन इंडस्ट्रीज. लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था अभी भी 20% पीपल दे वर्क इन इंडस्ट्रीज एंड 80% पीपल स्टिल वर्क इन डोमेस्टिक यूनिट्स. रीजन क्या था कि स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन लोगों ने मशीन्स को इजीली वेलकम नहीं किया क्योंकि लोग मशीन्स खरीदने से डरते थे. तो ये जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम बोलते हैं ना कि विच वर द ड्रॉबैक्स ऑफ मशीन्स या क्या फीचर थे, तो उसमें हम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करते थे. लेकिन आप इसमें शॉर्ट में बताओगे क्या प्रॉब्लम थी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्टिंग में क्या ऐसा रीजन था कि लोग मशीन्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे. कॉस्टली रिपेयर, हेडिंग जस्ट लिख लो कॉस्टली रिपेयर, कि इनकी रिपेयर बहुत कॉस्टली थी. स्लो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. जैसे आज के टाइम में क्या होता है, आप एक साल में एक फोन लेते हो, नेक्स्ट ईयर वो क्या हो जाता है? आउटडेटेड हो जाता है, वर्जन नया आ जाता है, बहुत से चेंजेस आ जाते हैं. लेकिन उस टाइम पीरियड में मशीन्स, एक बार मशीन बन जाती थी ना तो उसमें बहुत ज्यादा जिसम कहते हैं कि चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस होते थे. देन न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव. पुराने टाइम पीरियड में लोगों के लिए मशीन खरीदना इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव क्योंकि उसकी रिपेयर बहुत कॉस्टली होती थी. एंड इंजीनियर उस टाइम पीरियड में कोई कोई होता था, तो इंजीनियर अगर बुलाना भी पड़ता था, मशीन चलते चलते रुक जाती थी, खराब हो जाती थी, डिफॉल्ट पड़ जाता था, तो उनके विजिटिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होते थे. दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज को ये लगता था कि मशीन्स खरीदने की बजाय उनको लेबर इजीली मिल रही है, लेबर जो थी चीप, ठीक है चीप लेबर लिखो, चीप लेबर वॉज अवेलेबल क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लोग काम करने के लिए तैयार थे. एंड वेजेस वर वेरी लो, वेजेस कम, वेजेस पे भी लेबर काम करने को तैयार हो जाते थे. तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट को मशीन्स खरीदना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं लगा और इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्टिंग के फेस में 20% पीपल वर्कड इन इंडस्ट्रीज एंड 80% पीपल स्टिल वर्क इन द डोमेस्टिक यूनिट्स. लोग फैक्ट्रीज में काम नहीं करते थे क्योंकि फैक्ट्रीज में मशीन्स बहुत कम थी. इसका एग्जाम्पल हमने लिया स्टीम इंजन, जेम्स वॉट. अब जेम्स वॉट का है हु इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन, अगर ये आएगा तो आपने बताना है जेम्स वॉट. हु इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन? जेम्स वॉट इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन. सबसे पहला सोचो, सबसे पहला जो इसका फर्स्ट मॉडल होगा वो किसने बनाया होगा? न्यू कॉमन, NEWCOMEN. लेकिन जेम्स वॉट का नेम क्यों आता है? क्योंकि इसने इसको पेटेंट करवाया अपने फ्रेंड के साथ मिलकर. फ्रेंड का नाम क्या था? मैथ्यू बॉल्टन. मैथ्यू बॉल्टन के साथ मिलकर इन्होंने इसको पेटेंट करवाया. कौन से ईयर में? 1781. लेकिन स्टार्टिंग में इसके बायर नहीं थे, यानी कि स्टीम इंजन तो बन गया, पेटेंट भी करवा लिया, इसके बायर नहीं थे. नंबर ऑफ बताना है आपने कि स्टार्टिंग में जब ये स्टीम इंजन टोटल, जब उसने सबसे पहले इसको पेटेंट करवाए, टोटल एक साल में कितने बिके? 321 स्टीम इंजन्स सोल्ड इन इंग्लैंड. ईयर नहीं बताया, जस्ट डाटा बताया आपको दैट जब उसने पेटेंट करवाया, मे बी 1781 के बाद उसको पेटेंट करवाया होगा, तो स्टार्टिंग में सिर्फ 321 टोटल उसके स्टीम इंजन बिके पूरे इंग्लैंड में. उनमें से 80 were in cotton industries, 9 were in wool industry,
पूरे इंग्लैंड में बहुत सी इंडस्ट्रीज थी वूल की, लेकिन सिर्फ 9 ही बिके एंड अदर्स वर इन माइनिंग एंड डिफरेंट सेक्टर्स. इसका मतलब क्या है? स्लो टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि शुरू शुरू में लोग स्टीम इंजन खरीदने के लिए रेडी नहीं थे. दे थॉट दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, रिपेयर इज वेरी कॉस्टली. सो प्रोड्यूसर्स दे प्रेफर्ड, उन्होंने क्या किया, दे प्रेफर्ड चीप लेबर, क्योंकि उनको लेबर इजिली मिल रही थी. लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक प्रॉब्लम थी कि एरिस्टोक्रेटिक पीपल या रिच पीपल या जो रॉयल्टी थी, मोनार्की थी, दे प्रेफर्ड हैंड लेबर. हैंड लेबर का मतलब होता है हैंड प्रोड्यूस्ड गुड्स. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो मशीन मेड गुड्स होती हैं वो क्या होती है, कॉमन. मशीन क्या करती है, एक यूनिट बनाती है तो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स बनते हैं. लेकिन अगर आप कोई डिजाइनर चीज बनाते हैं उसका सिर्फ एक ही यूनिट बनता है और वो कॉमन नहीं होता. और रॉयल्टी कभी नहीं लाइक करती थी कि उनकी ड्रेसेस जो हैं वो कॉमन लोग पहने, कॉटन, क्योंकि हम कॉटन की बात कर रहे हैं ना. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एट दैट टाइम मैनी एरिस्टोक्रेटिक पीपल दे डिमांडेड हैंडमेड गुड्स एंड दे रिजेक्टेड मशीन मेड गुड्स. उनको लगता था कि जो मशीन मेड गुड्स हैं ये लो क्वालिटी की हैं, तो इनको कहाँ पे भेज देना चाहिए, कॉलोनीज में, इंडिया जैसी कॉलोनीज में भेज दो जहाँ पे मशीन मेड गुड्स जो हैं वो लोग इजिली ले लेंगे. क्योंकि शुरू शुरू में मशीन मेड गुड्स जो थी उनकी क्वालिटी जो है उनको बहुत लो या चीप क्वालिटी लगती. ठीक है. अब मशीन्स जैसे से, अब टाइम पीरियड क्या है, 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स. शुरू शुरू में जब आप सबके मतलब फैमिलीज में आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर लैंडलाइन फोन यूज करते, जब पहली बार मोबाइल आया होगा तो जिस फैमिली में के पास मोबाइल होगा तो सभी उसको बड़ा रॉयल मानते होंगे कि हाँ जी मोबाइल फोन यूज किया. लेकिन आजकल के टाइम पीरियड में हर पर्सन के पास मोबाइल है, तो टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हुआ है 20, 30, 40 इयर्स. तो ऐसे ही 40 इयर्स के बाद फिर इमेजिन करो कि अब मशीन्स कॉमन हो गई थी और मशीन्स का रेट भी कम हो गया. जैसे फोन का रेट पहले बहुत हाई होगा, लेकिन आज के टाइम में फोन जो है वो क्या है, रेट उसका हर तरह के फोन है अवेलेबल, हाई रेट पे भी हैं और मीडियम पे भी हैं और लो रेट पे भी. ठीक है. तो धीरे धीरे मशीन्स में वेरिएशंस आई, रेट कम हुए और प्रोड्यूसर्स ने मशीन्स को खरीदना शुरू कर दिया. क्योंकि लेबर्स की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेबर्स कभी आए दिन स्ट्राइक कर देते थे, कभी अपनी सैलरीज की डिमांड करते थे. और इन लेबर्स की हम कहते हैं ना किचकिच से बचने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मशीन्स को खरीदना शुरू कर दिया. सपोज आप लोग ही हो ना, आप सोचो कि रोज अगर सपोज मेड नहीं आती है ना, बर्तन नहीं साफ होते, तो आजकल डिश वॉशर भी अवेलेबल है, तो आप क्या सोचोगे, चलो एक बार हम क्या करते हैं, डिश वॉशर ले लेते हैं. अच्छा दूसरी एग्जाम्पल छोड़ो, सपोज आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, वैसे तो आजकल के में टाइम में सबके पास ही होती है ना, वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मेड आपके घर में अगर कपड़े धोने आती है वो छुट्टी पे कर मतलब है, वो 3 दिन नहीं आई, 4 दिन नहीं आई, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करोगे, चलो एक बार हम क्या करते हैं, फुली ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं, नो नीड टू वरी, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, वेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुली ऑटोमेटिक. और आजकल के टाइम में तो फुली ऑटोमेटिक के साथ आपको एक और साइट में मतलब एक यूनिट मिलता है जिसमें आप वो गारंटी देते हैं 100% ड्रायर, विंटर्स में 100% ड्रायर की जो है वो गारंटी देते हैं. तो लोगों को ये लगता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट हम कर लेंगे तो हमें फिर बाद में लेबर की जो है प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल जाए. सो इसी चीज को याद रखो, आफ्टर 40 और 50 इयर्स मैनी प्रोड्यूसर्स दे स्टार्टेड बाइंग मशीन्स. अब जब मशीन्स आनी शुरू हो गई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किनको आई, लेबर्स को. एंड बट दे डिड दे अटैक्ड ऑन मशीन्स. इसी का एग्जाम्पल है स्पिनिंग जेनी. स्पिनिंग जेनी वॉज अल्टीमेटली हम इसको कहते हैं कि इसको बनाया किसने सबसे पहले, जेम्स हरग्रीव्स, JAMES, जेम्स हरग्रीव्स, HARGREAVES, इन 1764. धीरे धीरे स्पिनिंग जेनी, पहले क्या होता था, एक पर्सन एक व्हील पे एक थ्रेड बनाता था, लेकिन स्पिनिंग जेनी जो थी वो एक व्हील पे, एक मशीन थी जो एक ही व्हील पे 100 जो होते हैं थ्रेड का मतलब होता है स्पिंडल, 100 स्पिंडल बनाती. तो इसका मतलब क्या है कि इस मशीन ने 100 लेबर को रिप्लेस किया. तो ऐसे में जब प्रोड्यूसर्स ने स्पिनिंग जेनी को खरीदा तो कितने ही लेबर्स को क्या कर दिया, अनएम्प्लॉयड. और मैनी वुमेन दे अटैक्ड ऑन, क्योंकि इस टाइम पे वुमेन जो है वो ज्यादा स्पिनिंग जेनी पे वर्क करती थी, एंड दे लॉस्ट जॉब्स, एंड दिस इज अ रीजन व्हाई दे अटैक्ड ऑन दीज मशीन्स. लेटर ऑन जब 1840 के बाद आयरन एंड स्टील वर्क स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इनको काम मिलना शुरू हो गया लेबर को, जो कॉटन टेक्सटाइल से अनएम्प्लॉयड हो गए थे, अब इनको रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में,
आयरन एंड स्टील वर्क्स में काम मिला और धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि 1840 के बाद काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो इम्प्रूव हुआ। अब हम आते हैं इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड थी वो किसकी थी? सिल्क एंड कॉटन, जिसके लिए यूरोपियंस हमारी कंट्रीज में आए। एंड यूरोपियंस में कौन कौन आए? डच, स्पेनिश, पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ ऑल हु वर पावरफुल एंड विक्टोरियस? ब्रिटिशर्स। एंड इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया कंट्री में मुगल रूलर से क्या लिया? मोनोपोली राइट, राइट टू ट्रेड लिया। एंड एट दैट टाइम दे वर द ओनली फॉरनर्स अथॉरिटी, ईस्ट इंडिया कंपनी, टू हैव अ ट्रेड इन आवर कंट्री। और ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड जो था वो इंडिया से शुरू हो गया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में आई, उससे पहले हमारी कंट्री में सूरत, मसौलीपट्टनम, हुगली, इन पोर्ट्स की बहुत वैल्यू थी। मेनली ट्रेड यहां से होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, उन्होंने जिन सिटीज में अपनी फैक्ट्रीज बनाई, अपनी सिटीज, अपनी प्रेजिडेंसीज बनाई, उन्हीं एरियाज को उन्होंने ज्यादा डेवलप किया। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे एंड कैलकटा, यानी कि सूरत मसौलीपट्टनम जो है द लॉस्ट देयर ट्रेड, वहां पे लॉस हुआ। और नए पोर्ट्स जो हैं वो कौन कौन से, जिनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी? बॉम्बे एंड कैलकटा। इसका एग्जाम्पल आपने देना है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ सूरत पहले कितनी थी? 17th सेंचुरी में थी 16 मिलियन। ग्रॉस वैल्यू 17th सेंचुरी के नियर अबाउट थी 16 मिलियन। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में आई 1600 के बाद, और 1740 तक आते आते हमारी कंट्री में ट्रेड रह गया सिर्फ 3 मिलियन, जो सूरत का टोटल ट्रेड था। तो कितना बड़ा लॉस था। और दूसरी तरफ बॉम्बे एंड कैलकटा पोर्ट एरियाज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि वहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्रीज, अपने ऑफिस, ग्रोथ जो है वो इन एरियाज में ज्यादा हुई। दूसरी तरफ अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मेन डिमांड जो थी, जिन कमोडिटीज की डिमांड यूरोप में थी, दे स्टार्टेड ग्रोइंग एंड दे प्रेशराइज द इंडियंस टू डील विद दैट। अब हमारी कंट्री में उस टाइम पीरियड में जो पहले यहां से इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल फॉरेन कंट्रीज में जाता, ये याद रखना, पहले हमारी इंडिया का टेक्सटाइल का मतलब होता है रेडीमेड कपड़ा जो होता है वो फॉरेन कंट्रीज में डिमांड में। लेकिन जब वहां पे मिल्स बन गई, देन दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय आर कॉटन टेक्सटाइल, दे जस्ट नीडेड ओनली रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल उनको क्या चाहिए था? कॉटन, ठीक है। और धीरे धीरे हमारी कंट्री में कॉटन टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया, और हम अब टेक्सटाइल की वजह हम क्या भेजना शुरू कर दिया हमने? रॉ कॉटन। तो ये स्टोरी है कि किस तरह से जब एक कंट्री कॉलोनी बन जाती है तो वो कंट्री किस तरह से दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती है, स्टोरी ऑफ कॉटन। इसमें आपने सारा वो है वो सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बताना है कि कैसे लोगों को, पहले तो स्टार्टिंग में जब इंडिया के टेक्सटाइल की डिमांड थी ना, जब यहां से टेक्सटाइल जाता था तो वीवर्स को कंपेल किया जाता था कि वो अच्छी क्वालिटी का टेक्सटाइल बनाए। उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? गोमाश्तास। राइट डाउन हु वर गोमाश्तास, कौन थे गोमाश्तास? पेड सर्वेंट ऑफ कंपनी। गोमाश्तास कौन थे? पेड सर्वेंट ऑफ कंपनी। दे वर गिवन ड्यूटी टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता? सुपरवाइज। दे वर गिवन ड्यूटीज टू सुपरवाइज द क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल, कि वीवर्स कैसी क्वालिटी बना रहे हैं, और उनको अपने ट्रैप में फंसाने के लिए, ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया का कपड़ा फॉरेन कंट्री में जाता था, उनको ट्रैप में फंसाने के लिए ये स्टार्टिंग में उनको क्या देते थे? एडवांस, पहले ही एडवांस दे देते थे, पहले ही लोन टाइप दे देते थे, ताकि वो जो है वो इनके ट्रैप में फंस जाए। और इंडियंस का जो टेंडेंसी क्या होती थी, जब उनको एडवांस मिल जाता था ना, तो ये एडवांस खर्च कर देते थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में फैमिली फंक्शंस हैं, अपने घर पे खर्च कर लिया, व्हाटएवर जो भी है, और बाद में टेक्सटाइल बना लिया। और उसके बाद जब टेक्सटाइल उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर सेट नहीं बैठता था, तो कई बार उनको वापस दोबारा से बनाना पड़ता था, और उसके बाद उनको फिर से लोन लेना पड़ता था। और धीरे 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 हमारी इंडियन फैमिलीज जो थी वो इन गोमाश्तास के द्वारा डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है? लोन के चंगुल में फंस गई। एंड दे हैड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट, उनको बार बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था उनके साथ, और इस तरह से वो ब्रिटिशर्स के अंडर या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हो गए।
अपनी विलिंगली वो वीवर्स कपड़ा बनाने का काम छोड़ नहीं सकते थे, चाहे उनके लिए लॉस था, बट स्टिल दे हैड टू प्रिपेयर द टेक्सटाइल एज डिमांडेड बाय द कंपनी. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें स्टेटमेंट है, हेनरी पटीलो 1772, उन्होंने इंडिया की प्रेस में कहा था, डिमांड फॉर टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस, नो अदर नेशन प्रोड्यूस सेम क्वालिटी. यानी कि इंडिया का जो कपड़ा है वो वर्ल्ड की किसी भी मार्केट में नहीं मिलता, और इंडिया के कपड़े की डिमांड थ्रू आउट द लाइफ कभी भी कम नहीं होगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब ब्रिटेन की अपनी मिल्स बन गई थी एंड नाउ दे नीडेड ओनली रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया. इसका क्या हुआ, लॉन्ग डेक्लाइन. अब डेटा बताओ इसका, 1811 टू 1812 33% एक्सपोर्ट होता था हमारे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड का 33% कॉटन टेक्सटाइल इंडिया से एक्सपोर्ट होता था यूरोपियन मार्केट में, बट इट डिक्लाइन 1851. यानी कि 1851 का जो ईयर हम लिया है, हमने 1850 to 1851 का 3% ओनली. क्या शो करता है, क्या शो करता है, लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट. लॉन्ग डेक्लाइन का मतलब है कि पहले 33% पूरे वर्ल्ड का कॉटन टेक्सटाइल हमारा इंडिया देता था, अब इसकी डिमांड जो है वो कितनी रह गई, ओनली 3%. दे जस्ट नीडेड रॉ कॉटन फ्रॉम आवर कंट्री. ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था इसका. नंबर वन, इंपोर्ट ड्यूटी वॉज इंक्रीज, यानी कि हमारी कंट्री के कॉटन टेक्सटाइल को वहां पे कॉस्टली कर दिया, ताकि हमारी इंडिया की कॉटन वहां पे कॉस्टली हो जाए. और जब यहाँ से ट्रेड वहां पे जाता था ना, हमारी शिपमेंट जाती थी, डबल ड्यूटी देनी पड़ती थी, और जिससे कि इंडियंस को लॉस होता था. इंपोर्ट ड्यूटी वॉज इंक्रीज्ड ऑन टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे टेक्सटाइल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी, ताकि जब उनकी कंट्री में टेक्सटाइल बिके तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाए. ये बच्चे सपोज इसको समझो ऐसे ही है, सपोज हमारी कंट्री में कोई फॉरेन आइटम आ रही है और एयरपोर्ट पे जब उसको चेक किया जाता है, उसको डबल ड्यूटी देनी पड़ेगी. तो जिस पर्सन को डबल ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो कहेगा ये तो बहुत कॉस्टली, मैं इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आया हूँ. तो वो इंडिया में जब उसको बेचेगा तो कम रेट पे बेचेगा, हाई रेट पे बेचेगा, हाई रेट. ऐसा ही इंडिया से हमारे कॉटन टेक्सटाइल का हाल इंग्लैंड में हुआ. देन इन इंडिया मैनचेस्टर गुड्स केम एट लो प्राइस. मैनचेस्टर आइटम्स या कॉटन गुड्स जो थी या कॉटन पीसेस जो थे, मैनचेस्टर गुड्स केम इन इंडिया एट लो प्राइस. थर्ड, एक और रीजन भी था, यहां पे लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर की डिमांड कर रहे थे, वेस्टर्न क्लोज. इंडियन यूथ दे वर डिमांडिंग वेस्टर्न क्लोथ बिकॉज दे वर इमिटेटिंग देयर कॉलोनियल मास्टर्स. वो अपने मास्टर्स को, कॉलोनियल मास्टर्स को क्या करते थे, इम्प्रेस करते थे कि हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, हम आपके ही तरह हैं, ताकि वो उनको जॉब दें या उनकी फेवर करें. ठीक है, लेकिन इससे लॉस किसको हुआ, इंडियन फार्मर्स, इंडियन वीवर्स, बिकॉज नाउ दे वर नॉट गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन. क्योंकि सारी गुड क्वालिटी का कॉटन कहां पे जा रहा था, ब्रिटेन. इंडिया में क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन. इंडियन वीवर्स फेस शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन. इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो लिखो डाटा. 1850 तक कॉटन टेक्सटाइल, 1850 कॉटन टेक्सटाइल जो थी 31% हम मंगवा रहे थे. 1850 कॉटन टेक्सटाइल 31% इंपोर्ट. इंपोर्ट का मतलब हम मंगवा रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कल्चर और ज्यादा मंगवा रहा था, तो ये डाटा जो है वो बढ़ गया. 1870 तक इट इंक्रीज अप टू 50%. ये डाटा क्या शो करता है कि पहले सिर्फ 31% हम कपड़ा मंगवा रहे थे, वेस्टर्न कपड़ा जो था, बट नाउ 1870 50% इंपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंग्लैंड. यानी कि अब हम इंग्लैंड से ज्यादा चीजें मंगवा रहे थे, बिकॉज हमारी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो कर रहे थे. ठीक है,
ये तो थी सारी कॉटन की स्टोरी। अब मिल्स याद करो, फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे 1854, फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे 1854, फर्स्ट जूट मिल बंगाल 1855, फर्स्ट जूट मिल बंगाल 1855, फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद, अगर अहमदाबाद में कहें फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद 1861, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री किनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री किनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जे एन टाटा, जे एन टाटा। हु सेट अप इंडियन जूट मिल, पहले मैंने ब्रिटिशर बताई है, हु सेट अप इंडियन जूट मिल, सेठ हुकमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन, सेठ हुकमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन इन कैलकटा इन 1917, इन 1917। सो दिस वॉज अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई